सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये नेक्स्ट सेट है इसी ईयर के अंदर जो पूछा गया है इसके अंदर हम क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं देखिए अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर मतलब सभी टॉपिक्स से यहाँ पर लिए हुए हैं ठीक है इफ़ द सम एंड डिफरेंस ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है इफ़ द सम एंड डिफरेंस यहाँ पर जो है आपको रेडियन और डिग्री इसको कन्वर्जन करना आना चाहिए तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज जो है आपको डिग्री में ना देके क्या करा है एक रेडियन में दे दी गई है और एक डिग्री के अंदर दे दी गई है ठीक है देखिए यहाँ पर लिखा है बाईस बटे नौ रेडियन जो है ये एक एंगल है और दूसरा एंगल जो है वो कितना है छत्तीस डिग्री का है मतलब एक एंगल आपको रेडियन में दिया हो और एक एंगल आपको डिग्री के अंदर दिया हो और लेकिन आंसर देखिए आपसे किसके अंदर पूछा है डिग्री डिग्री इसके अंदर पूछा गया है यानी कि जो रेडियन वाली, वाली वैल्यू है उसे भी मुझे किसके अंदर कन्वर्ट कर लेना चाहिए डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेना चाहिए अब इसने कहा कि वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल इन डिग्री आपको बताना है ठीक है इज लिखा है ये क्या है कि बस पाई की वैल्यू आपको बाईस बटे लेनी है तो ये तो आपको कन्वर्ट करना आता होगा तो ही ना आप इसको यूज करोगे ठीक है तो देखिए किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं आपको सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको ये देखना है कि आपको कन्वर्ट किस चीज़ के अंदर करना है इसे ठीक है देखिए अगर आपको इसके अंदर डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो ऊपर हम डिग्री ले लेते हैं अगर मान लीजिए इसी तरीके से हमें जो है रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो ऊपर हम रेडियन में ले लेते हैं वैल्यू फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको ये चीज़ बता देती तो हूँ जैसे सर्कल होता ही है आपको पता है सर्कल में कितना है पूरा 360 डिग्री है ठीक है इसको 360 डिग्री भी कह सकते हैं या फिर हम आपको पता है इसको टू पाई भी कह देते हैं या फिर इसी का आधा कितना हो जाता है पूरा वन डिग्री तो वन डिग्री को ही हम क्या कह देते हैं पाई 90 डिग्री ही ऐसे क्या हो जाता है पाई बाई टू ठीक है इस तरीके से हमारी वैल्यूज होती हैं तो यहां पर जो पाई है ये आपका किस में है रेडियन में है ठीक है अगर देखिए आपको यहां पर वन डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वन डिग्री कितना हो जाता है ये आपका हो जाएगा इसको मैं डायरेक्टली लिख के दिखा देती हूँ देखिए अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है कि डिग्री से अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ठीक है तो मान लीजिए अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो दिया किसमें हुआ है डिग्री में लेकिन कन्वर्जन किसके अंदर करना है रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो जिसके अंदर कन्वर्ट करना होता है वही हमारा ऊपर आता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ डिग्री दिया गया है और मुझे उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो मैं क्या करूंगी जो भी डिग्री के अंदर वैल्यू दी हुई होगी उसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से पाई डिवाइड बाई 180 से ठीक है ये 180 एट्टी किस में है डिग्री में है इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि आपको क्या करना है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अगर आपको बोला जाए कि रेडियन में है और रेडियन से किस में लेके जाओ डिग्री के अंदर लेकर के जाओ ठीक है तो रेडियन से अगर डिग्री के अंदर कन्वर्जन करना है तो इसी का उल्टा कर देते हैं हम क्या कर देते हैं रेडियन वाली जो भी वैल्यू है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे वन एट्टी अपॉन पाई के साथ में इस तरीके से हम क्या कर देते, है? देते हैं कन्वर्जन कर देते हैं तो कहने का मतलब मेरा क्या है इस जगह पे कहने का मतलब मेरा यही है Uh, कहने का मतलब मेरा यही है इसमें देखिए अगर रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको उसी से ही मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर अगर आपको डिग्री में कन्वर्जन करना है तो उसी से ही क्या कर देना है मल्टीप्लीकेशन ऊपर कर देना है मान लीजिए यहाँ पर आपकी रेडियन के अंदर जो वैल्यू लिखी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा अगर यहाँ पर आपकी जो है डिग्री के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी जाएगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू बचेगी वो रेडियन या फिर डिग्री के अंदर ही बचेगी तो ये कहने का मतलब है अब आपको देखिए करना क्या है क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा गया है आपसे कहा गया है कि बाइस बटे सात जो है वो क्या है 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 रेडियन रेडियन के अंदर वैल्यू है. तो मुझे पता है, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है? इसको मल्टीप्लीकेशन कर देना है देखिए ये है बाइस बटे नौ ठीक है ये हमें किस में दी है रेडियन में दी है अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर तो ऊपर क्या आना चाहिए डिग्री वाली वैल्यू आनी चाहिए अपॉन में क्या आना चाहिए पाई अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगी यहाँ पर डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पाई को हमें बटे लेना है तो पाई की वैल्यू हम वैसे भी कितनी लेंगे यहाँ पर बाईस बटे साथ ही लेंगे ठीक है तो बाईस बटे का साथ है तो ऊपर चले जाएगा ये चीज आपको पता होगी जब भी आपका डिवाइड में भी जाएगा ये डिवाइड के भी डिवाइड में जाएगा तो कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा अगर जो चीज आपसे कट रही है यहाँ पे उसको आप काट लीजिए और नहीं कट रही है तो बाकी को सॉल्व कर लीजिए देखिए बाईस से 22 चला गया तो नौ से चले जाएगा एक सौ अस्सी तो नौ दुनिया अट्ठारह और बीस बचे ये जीरो बचेगा तो बीस हो जाएगा तो देखिए सात और बीस तो सात दुनिया कितना हो जाता है चौदह यानी कि एक सौ चालीस डिग्री मतलब जो आपको बाइस बटे नौ रेडियन दिया है वो कितना है एक सौ चालीस डिग्री है तो आपके पास में एक एंगल आ गया 140 डिग्री दूसरा एंगल जो है वो कितना है 36 डिग्री अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि सम एंड डिफरेंस आर रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू है वो उनका सम को बताती है और जो दूसरी वैल्यू है वो उनके डिफरेंस को बताती है यानी अगर मैं पहले और दूसरे एंगल को जोड़ू तो एक 140 बनना चाहिए और अगर पहले और दूसरे एंगल को घटाऊं तो छत्तीस आना चाहिए मान लीजिए अगर पहला एंगल जो है वो ए मान लेते हैं तो अगर ए और बी एंगल को हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए 140 डिग्री ठीक है डिग्री ना भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि हमें तो वैल्यू से मतलब है अब देखिए अगर हम इन्हीं दोनों को घटा देते हैं तो कितना आता है छत्तीस है ना ये दो आपके पास में क्या बन जाती है इक्वेशन क्योंकि दोनों में से ही नहीं पता किसकी वैल्यू क्या है अब देखिए ये दोनों जो को जोड़कर आया ये दोनों को घटा कर आया अगर आपके पास में ऐसी कोई इक्वेशन बन जाती है और यहां से आपको निकालना है वैल्यू आपके अगर ये जैसे आपको पता करना है कि ए का मान निकालना है ए की वैल्यू निकालनी है तो जिसका मान निकालना है उसको देखिए ये दोनों आपके किस में है प्लस में है तो क्या करिए दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि प्लस करोगे तो टूए आएगा और इधर जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड में चले जाएगा तो जोड़ के आधा कर लीजिए हम ऐसा कह सकते हैं अगर इसी तरीके से मान लीजिए आपको ए को हटाना है और बी की वैल्यू निकालनी है तो बी किसमें दिख रहा है आपको माइनस का यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है तो बी से क्या करिए घटा के आधा कर लीजिए ये शॉर्ट में कहने की चीज है कि आप इसको प्लस करके या फिर घटा के जो है आधा कर सकते हैं ठीक है थीके? देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं प्लस कर लेते हैं तो आपको पता है प्लस का भी और माइनस का भी तो वैसे ही चला गया दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टू ए आ जाएगा एक सौ चालीस और छत्तीस है तो एक सौ छिहत्तर आ जाएगा वन सेवेंटी सिक्स अगर ए आप यहाँ से निकालते हैं तो देखिए आठ दुनी सोलह और आठ दुनी सोलह मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई एट्टी एट डिग्री के अंदर आ गई है अगर ए की वैल्यू 88 डिग्री है तो बी की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं हटा दूं मैं इस चीज को यहां से ठीक है कोई सी भी एक इक्वेशन के अंदर अगर आप लिखेंगे, तो आप यहां से वैल्यू को निकाल सकते हैं देखिए किसी भी एक के अंदर आप रख दीजिए इसको मान लीजिए इस वैल्यू के अंदर अगर हम रखते हैं तो बी आपका जो है वो कितना हो जाएगा एक जो था इसमें से हम क्या करेंगे जो ए की वैल्यू है उसको घटा देंगे माइनस कर देंगे तो माइनस अगर कर देते हैं एट्टी एट को तो आठ पांच तेरा और दो और आना चाहिए तो कितना हो जाएगा बावन बावन डिग्री अगर आप यहां से इस तरीके से देखते हैं तो अगर अट्ठासी एट्टी एट जो है इसमें हम दो और जोड़ देते हैं तो नब्बे हो जाएगा तो यानी कि एक तो आपके पास में दो आ गया और नब्बे से चालीस गया है तो यानी पचास और गया है तो इस तरीके से आपका कितना आ गया बावन डिग्री आ गया मतलब एक एंगल जो है वो आपका कितना है 140 डिग्री का है और दूसरा एंगल जो है वो आपका कितना है नहीं एक एंगल जो है आपका 88 डिग्री का है और दूसरा एंगल कितना है बावन डिग्री का है आप ऐसे भी देख सकते थे कि क्योंकि इसके अंदर वैल्यू पूछी है ठीक है तो हमें फिर भी निकालना ही पड़ता लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वाला एंगल जो है इस तरीके से छोटा बड़ा है तो वो तो आप देख के बता ही सकते हो कि अगर दोनों का सम 140 आ रहा है और एक एंगल जो है वो ऑलरेडी एट्टी एट हो गया है तो दूसरा एंगल से कम ही आएगा अब है ना तो ये चीज भी आप देख सकते हो दिया है कहावन डिग्री ऑप्शन नंबर वन के अंदर दिया गया है ये चीज समझ में आ गई है बावन डिग्री क्या है ऑप्शन नंबर वन ठीक है आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर देखिए आपको यहां पर जो है ये आपको जब भी इस तरीके का दिया होता है तो यहाँ पे आपके पास ने एक तो वैल्यू दी होती है और एक आपको इक्वेशन टाइप के अंदर दी होती है स्क्वायर क्यूब इस तरीके से लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो कभी भी आपसे ये नहीं चाहता कि आप इतनी बड़ी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके फिर मल्टीप्लाई करके फिर उसे ऐड करके सॉल्व करें वो क्या चाहता है कि आप एक आइडेंटिटी को इसमें ढूंढ पाए जैसे कि ये किसी ना किसी का फॉर्मूला बन रहा होगा तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है आपसे वो चाहता है क्या चाहता है कि आप इसको जो है एक कंप्रेस फॉर्म के अंदर लेकर आए मतलब एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको लेकर आए जिसका भी ये फॉर्मूला है वहां पे पुट करके आप सीधा सीधा इसका आंसर पता लगा सकते हैं ठीक है देखिए यहां पर जो है आपको दिया हुआ है P बराबर है किसके 99 के तो अगर P की वैल्यू जो है वो नाइनटी के बराबर है पी की वैल्यू जो है ये कितनी है नाइनटी नाइन के एक है, है। यहाँ पर, तो पर जो आइडेंटिटी आपकी है देखिये पी पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस थ्री मतलब पी को पहले तो अंडर मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि वो आपको पता है कि वो पी क्यूब हो जाएगा और ये थ्री पी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा थ्री पी अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगता चले जाएगा ठीक है चलिए देखिए करते हैं अंदर हम तो ये कितना बन जाएगा देखो तो पी क्यूब प्लस का थ्री पी ऑलरेडी अंदर है मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा थ्री पी स्क्वायर बन जाएगा प्लस का थ्री ऑलरेडी अंदर है अगर मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो कितना बन जाएगा थ्री पी बन जाएगा इतनी चीज आएगी ये चीज आप देख पा रहे हो ठीक है देखो इतनी चीज तो आ जाएगी इसको थोड़ा इधर कर देते हैं हम ठीक है देखो इसका मैं कलर चेंज कर रही हूँ क्योंकि अब आगे जो चीज ऐड होगी वो क्वेश्चन में आपको दी नहीं हुई है देखो जब भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक तो P है P को छोड़ो आप यहां पे A और B की फॉर्म में ही मानो जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही होता है उसी फॉर्म के अंदर मानो जैसे कि आपको पता है कि आप ए क्यूब में पढ़ते हो बी क्यूब की फॉर्म के अंदर पढ़ते हो तो आप उसी फॉर्म के अंदर मानो मानो कि आपको दिया है क्या ए क्यूब ठीक है प्लस ये क्या है थ्री ए स्क्वायर हो गया क्योंकि p को आपने क्या माना है a माना है तो थ्री ए का यहाँ पर क्या है थ्री ए है तो देखो यहाँ पर आपके पास में क्यूब है, और थ्री ए है प्लस थ्री a है यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा बी होगा बी क्या है मतलब बी वो नंबर है जो आपका ऐसा कोई नंबर होगा जो यहाँ पर आपको नहीं दिख पा रहा है अगर वो यहाँ पर दिखता तो यहाँ पर कुछ फॉर्म के अंदर होता जैसे कि पी क्यू होता यहाँ पे ठीक है या फिर थ्री पी क्यू स्क्वायर होता इस तरीके से लेकिन अगर वो नहीं है यहां पर इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या प्रेजेंट है वन प्रेजेंट है ठीक है मतलब यहां पे जो ए है वो तो पी के बराबर ही है लेकिन यहां पर जो इसके अंदर बी बन रहा है आइडेंटिटी में वो कितना रहेगा वन रहा होगा तभी वो इसके अंदर नहीं आपको दिख रहा है तो क्या रहा होगा वन रहा होगा अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो ए क्यूब तो यही हो जाएगा प्लस का बी क्यूब अगर आप करते तो वन का क्यूब वन ही आता और उसको यहां पर नहीं शो किया गया है प्लस आगे का मैं लिखकर दिखा देती हूं ये आपका a का क्यूब हो गया ये b का क्यूब हो गया प्लस का आप लिख सकते हैं थ्री ए स्क्वा स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर और b अगर आप लिखते तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आता वन आता वन को मल्टीप्लाई करोगे नहीं लिखने की जरूरत है इस चीज को तो जब नहीं लिखोगे तो ऑलरेडी यही चीज आएगी ना थ्री पी स्क्वायर या फिर थ्री ए स्क्वायर ठीक है तो उस वन को यहां पर मेंशन नहीं किया गया है प्लस का आपका क्या आ जाएगा थ्री ए बी स्क्तर बी का स्क्वायर का स्क्वायर करोगे वन ही आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो भी थ्री ए ही बचेगा तो क्या बच रहा है थ्री पी ही बच रहा है मतलब कि जो आपका यहाँ पर बी है वो क्या रहेगा वन रहेगा तो आइडेंटिटी जो है ये फॉर्मूला जो है आपका किस चीज का बन रहा है ये बन रहा है ए प्लस बी के होल क्यूब का ठीक है तो ये ए प्लस बी क्या है यहाँ पे वन इसका क्या है होल क्यूब है अब यहाँ पे ए की जगह पे आपने पी ले रखा है कोई डिफरेंस थोड़ी है ए ले लो पी ले लो क्यू ले लो कुछ भी ले लो तो यहाँ पे ए प्लस वन का होल क्यूब ना होके मतलब कि किसकी आइडेंटिटी बन रही है पी प्लस वन का होल क्यूब क्योंकि यहाँ पे आपको बी नहीं दिख रहा इसका मतलब वो वन रहा होगा तो पी प्लस वन के होल क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है अब आपको बनानी है इसके अंदर बस इतनी सी चीज आपको करनी है आपको दिख तो रहा है कि इस चीज़ की है लेकिन आप उसको बनाओगे कैसे अब आपको पता कि अगर यहाँ पर पी प्लस वन का होल क्यूब हम लिखते यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ देखिए अगर आप यहाँ पे पी प्लस वन का होल क्यूब लिखते पी प्लस वन का होल क्यूब आपको दिख रहा है कि ये हो जाता p का क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस ए स्क्वायर इन टू बी ठीक है प्लस थ्री ए और बी स्क्वायर वन का स्क्वायर ठीक है ये चीज आती अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पी क्यूब दिख रहा है पी क्यूब दिख रहा है तो जो चीज आपको ऑलरेडी दिख रही है उसे छोड़ जाओ क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर आपको तो बचे वैसे मतलब है देखिए यहाँ पर पी क्यूब है पी क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में छोड़ो उस चीज को वन का क्यूब यहां पर नहीं दिया है ठीक है अब देखो थ्री पी स्क्र ये वन को हटा दे यहां ये तो ऑलरेडी कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज का देखिए थ्री पी स्क्त थ्री पी स्क्त दिख रहा आपको, है आपको क्वेश्चन के अंदर है थ्री पी है सिर्फ किस चीज की कमी है इस आइडेंटिटी के अंदर तो प्लस वन की कमी है ठीक है प्लस वन आ जाएगा या वन क्यूब आ जाएगा बात एक ही है क्योंकि आएगा तो एक ही तो यानी कि वन की कमी है तो जिसकी कमी है उसी को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे एड कर लेते हैं जितना प्लस उतना ही माइनस ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब आपके पास में एक तो प्लस वन और माइनस का वन ताकि आइडेंटिटी वही रहे चेंज नहीं करनी है आपको बस आपको आइडेंटिटी इसमें से एक लेकर के आनी है इसीलिए आपने क्या करा अपनी तरफ से एड इस तरीके से कर लिया है ये चीज आपको आनी चाहिए इस तरीके से करना ठीक है अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप इस पूरे चीज से ये चीज लिख सकते हैं ठीक है अगर यहां से इतना फॉर्मूला देखा जाए तो ये किसका बन रहा है p प्लस वन का होल क्यूब बन रहा है इतना ठीक है p का क्यूब प्लस वन का क्यूब इसको वन का क्यूब बोल सकते हैं तो वन ही लिखेंगे ठीक है? है थ्री पी स्क्वायर वन और थ्री पी वन का स्क्वायर बन गया एक माइनस वन जो है ये एक्स्ट्रा में है तो कोई बात नहीं रहने दो चीज को देखो पी प्लस वन का होल क्यूब है अब यहां अगर आप करते कोई अगर इसको बेसिक से करेगा तो वो क्या करेगा पी की वैल्यू निन्यानवे रखेगा और निन्यानवे का क्रूब क्यूब करेगा यहाँ पे थ्री इंटू पी का स्क्वायर निन्यानवे से मल्टीप्लाई मतलब आप देख रहे हो कैलकुलेशन कितना है लेकिन वो नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन को करें वो चाहता है कि आप यहाँ से इस आइडेंटिटी पर लेकर के आए तो यहाँ पे पी की वैल्यू देखिये क्वेश्चन में आपको कितने दी है निन्यानवे मतलब नाइनटी अब बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन आपके लिए देखिए की वैल्यू अगर आप नाइनटी नाइन रखते हैं प्लस वन और इसका अगर आप क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं भाई निन्यानवे और एक कितना होता है सौ होता है तो सीधा सीधा नहीं लिख सकते अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ लिख रही हूँ उस समय लग रहा है अदरवाइज अगर आपको ये चीज पता होगी और आती होगी तो आप सीधा देख पाओगे कि भाई क्यूब वाली आइडेंटिटी आपकी प्लस में ये लग रही है आपकी किस की कमी है एक की कमी है तो प्लस वन माइनस वन करोगे पूरी आइडेंटिटी को एक बार में बाहर और माइनस वन ही है जो एक्स्ट्रा गया है है मेरा ठीक मतलब सौ का क्यूब तो इतना आपका ऐसे ही आ जाएगा तो अगर आप हंड्रेड का क्यूब करते हो देखो दो जीरो आपके अंदर हैं ठीक है थीके? ये इसका क्यूब है ठीक है मतलब जैसे कि देखो अगर आप दस लेते हो और दस का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो कितना आ जाता है सौ आ जाता है मतलब दस को ही दस से गुणा किया गया है ठीक है तो टेन का स्क्वायर अब एक जीरो थी तो मतलब वो कितनी हो गई अब दो जीरो हो गई इस तरीके से तो यहाँ पे सेम ही चीज अप्लाई हो जाती है अगर अंदर आपको दो जीरो दिख रही हैं तो वो कितनी बार आ जाएंगी अब तीन बार आ जाएंगी तो मतलब एक के बाद ये दो जीरो फिर ये दो जीरो और ये दो जीरो तो वो जो दो जीरो हैं वो कितनी बार लिखी जाएंगी तीन बार लिखी जाएंगी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते तो तीन तीन दो छः हो गया ना तो छह जीरो आ जाएंगी आपकी ठीक है इस तरीके से हम लिखते हैं देखिए, जितना आ गया है आपका हाँ जे, जैसे कि ये आ गया आपका ठीक है अब इस ये जो आया है ये क्या है? पी प्लस वन का होल क्यूब अब बचा कितना था माइनस वन बचा था भाई इतनी बड़ी वैल्यू में से आप माइनस वन नहीं कर सकते आप देखो जितने आपके नंबर ऑफ डिजिट हैं उसमें से माइनस वन कर लो बस अब आपको माइनस वन करने की भी जरूरत नहीं है कि आप इस तरीके से लिखेंगे पहले इतनी बार जीरो और फिर उसमें से माइनस वन करेंगे नहीं इस तरीके से आपको नहीं करना है जैसे जैसे कि आपको इस चीज को बता देते हैं देखो सौ लिखा होता है सौ में से अगर आप एक को घटाते तो आप क्या करते भाई नाइनटी नाइन आता ये चीज आपको सीधी सीधी पता है लेकिन जब वैल्यू बढ़ गई है तो आप सोचते हो कि कितना आएगा मान लीजिए यहाँ पे सब जगह पे नाइन नाइन ही लिखा होता है जैसे एट लिखा है एट लिखा है तो आपको पता है कि एट तो आएगा ही नहीं एट के लिए तो ज्यादा घटाना पड़ेगा अगर एक ही घटाओगे तो नाइन नाइन के में ही आएगा लेकिन कितने नहीं आएंगे अगर आपको पांच छः सात आठ ऐसे दिए हो नाइन तो आपको उसमें काउंट करना पड़ेगा तो सीधी सी चीज है ना देखो अगर थ्री डिजिट का नंबर होता है उसमें से माइनस वन करते हैं तो दो डिजिट का ही नंबर आता है बेसिकली ये चीज कह सकते हैं कि जितने जीरो होते हैं उतने ही आपके नाइन आ जाते हैं है ना तो सेम चीज यहाँ पे होगी अगर यहाँ छह जीरो हैं तो छह बार ही नौ जहाँ पे छह बार नौ लिख रहा है वही आपका क्या है सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट हो जाता है ठीक है ये तो बहुत सी चीज़ है सिंपल है आप देखो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है यहां पे भी आपको कुछ नहीं करना है सीधा सीधा आपसे कहा है कि एक लीस्ट नंबर जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे छह नौ बारह पंद्रह और अट्ठारह के साथ में मतलब कि ये जो एक दो तीन चार पाँच पांच नंबर आपको दिए गए हैं एक सबसे लिस्ट यानी सबसे छोटा नंबर ऐसा बताना है जिसको अगर आप इन सबसे भाग देते हो डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है आपको रिमाइंडर जो है हर केस के अंदर दो ही मिलता है मतलब एक कोई ऐसा नंबर होगा अगर मैं उसको सिक्स से भी डिवाइड करूं तो भी दो ही बच के आता है अगर मैं उसको अट्ठारह से डिवाइड करूं तो भी दो ही बच के आता है अगर मैं इसी नंबर को बारह से करूं पंद्रह से करूं हर केस के अंदर कितना आ रहा है दो ही रिमाइंडर बच रहा है तो ऐसा कौन सा नंबर होगा देखिए नंबर वही हो सकता है नंबर वही हो सकता है जो इन सबसे डिवाइड होता हो ठीक है अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो यानी रिमाइंडर जीरो बचेगा लेकिन अगर उसमें मान लीजिए पांच नंबर एक्स्ट्रा है पांच संख्या जो है वो ज्यादा है तो पांच ही बच के आएगी क्योंकि बाकी तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा लेकिन बाकी क्या हो जाएगा बच जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जितने भी आपको नंबर दिए होते हैं इन्हीं नंबर्स का क्या ले लेते हैं एल्सीयम हम ले लेते हैं तो अगर इनका हम एल्सीम लेंगे 6, नौ बारह पंद्रह और अट्ठारह डायरेक्टली भी आप ले सकते हो अदरवाइज अगर आप एल्सीम लेना जानते हैं तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं ऐसे तो आपको आता ही होगा देखिए छ है नौ है बारह है पंद्रह है और अट्ठारह है इनका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं ठीक है एलसीएम ले इनका

दो से और नहीं होगा क्योंकि एक ही संख्या हो गई तो एक को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो कितना जाएगा तीन से जाएगा देखो एक एक दो पांच और एक अब कितना बचा है आपके पास में दो और पांच बचा है तो ये तो आपके वैसे ही इंडिविजुअल नंबर हो गए तो आपको बस इतना ले लेना है नीचे वाला हटा दो इतना ही आपको ले लेना है मतलब दो तीन तीन दो और पांच तो दो हो गया, हो गया तीन हो गया तीन हो गया दो हो गया और पांच हो गया इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी ठीक है हाँ एलसियम इसका हम लेंगे क्योंकि हमें क्या पता करना है कि ये सारे जो है वो डिवाइड हो जाते हैं इसलिए हम क्या लेंगे इनका एल्सियम लेंगे मतलब ऐसी संख्या जो सबको ही डिवाइड करेगी अगर हम ऐसा संख्या लेना चाहते हैं जो सबको डिवाइड करे तो इसलिए हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है ठीक है तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो देखो फाइव टू सा कितना हो गया दस दस इंटू तीस तीन करोगे तो तीस हो गया तीस का तीन गुना नब्बे हो गया नब्बे का दो गुना कितना हो गया एक सौ अस्सी हो गया निकल जाएगा आपका एलसीएम इस तरीके से तो अगर एलसीएम आप निकालोगे तो कितना आ गया एक सौ अस्सी आ गया अब 180 वो संख्या है आप चाहो तो डिवाइड करके देख लेना कि 180 ही वो संख्या है अगर आप हर एक से डिवाइड करते हो तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा जैसे कि अगर मान लो उसको मैं छह से डिवाइड लगाऊं तो छः तीस अट्ठारह होता है तो तीस बचेगा ठीक मतलब तीस से चले जाएगा ये ठीक है और 180 को ही हम नौ से डिवाइड लगाते हैं तो किससे चले जाएगा 9 से तो कितना बचेगा 20 बचेगा ठीक है ऐसे आप हर एक से देख सकते हो ये हट क्यों नहीं रहा है देखो और नंबर ले लेते ले हैं यहाँ पे हम 180 ले लेते ले हैं और आखिरी नंबर कितना है 18 है तो ये तो पूरा पूरा घटेगा दस से चले जाएगा तो मतलब हर एक संख्या जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो रही है ये रिमाइंडर नहीं था इतने से आप जा रहे हो ठीक है तो इतने से आपने भाग दिया इसमें अब देखो यहां पे आपको क्या करना है कि रिमाइंडर दो बचे रिमाइंडर दो बच रहा है यानी कि जितने से वो डिवाइड हो जा रहा है उससे थोड़ा नंबर दो ज्यादा है अगर पांच लिखा होता मान लो आपको पांच रिमाइंडर चाहिए तो आपको संख्या को क्या करना पड़ेगा पांच से बढ़ाना पड़ेगा ताकि पांच ही बचे ठीक है उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा नंबर में तो मान लीजिए अगर एक है और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं नाइन से ठीक तो हमें पता है ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और आपका बीस बचेगा ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर आपको दो रिमाइंडर बचाना है तो उस डिवाइड होने वाली संख्या को ही आप क्या करिए दो से बढ़ा दीजिए और फिर नौ से डिवाइड लगाइए तो अब आपको पता है कि भाई नौ धोनी अठारह हो जाता है ठीक है तो यहां पे अब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा आपका कितना बचेगा दो ही रिमाइंडर में बचेगा ठीक है देखिए और एक संख्या ले लेते हैं जैसे कि मैंने लिया एक सौ एक सौ बयासी वन एट्टी टू और यहाँ पे अगर हम सिक्स के साथ में डिवाइड लगा देते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या चले जाएगा 6, 3 जा चले जाएगा आपका एटीन कितना बचेगा दो बचेगा तो यानी कि एक तो जीरो आ जाएगा लेकिन आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा दो आपका रिमाइंडर बचेगा उसके बाद में भी ठीक है और बाकी संख्याओं के साथ में भी आप देखोगे क्योंकि जब 180 लिया था तो कंप्लीट डिवाइड था नो no रिमाइंडर अगर आप संख्या में दो का रिमाइंडर चाहते हैं तो संख्या को ही दो से बढ़ा दीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन लिखा हो कि आपको रिमाइंडर जो है वो सात बचना चाहिए तो आपको क्या करना है फॉर एग्जाम्पल के केस के लिए ले रहे हैं ठीक है अगर देखिए अगर आपकी संख्या एक आ रही है तो उसमें आप क्या करिए साथ ही जोड़ लीजिए ठीक है जो भी आपकी संख्या है उसी में आप साथ को जोड़ लीजिए तभी तो उतना रिमाइंडर बचेगा तो ये आपको कब करना है जब आपने एलसीएम ले लिया है क्योंकि एलसीएम ही वो नंबर है जिससे सारे डिवाइड होंगे अच्छा एक आपका आंसर आएगा ठीक है आपको ध्यान रखना है एल्सियम लेते ही आपका आंसर 180 आएगा लेकिन आपको क्या करना है दो और जोड़ के ऑप्शन नंबर इस पे टिक लगाना है ना कि 180 पे क्योंकि 180 वो है जिससे कंप्लीट डिवाइड है लेकिन आपको डिवाइड कंप्लीट नहीं करना है दो आपको नंबर बचाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है दो से बढ़ाना पड़ेगा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं देखिए ये पाई चार्ट वाला डायग्राम यहाँ पर ऐड किया गया है देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि जो बिलो है डायरेक्ट आते हैं कि दिस शोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक फैमिली ने जो करा है अलग अलग आइटम पे और उनका सेविंग मतलब इसके अंदर दो चीजें हैं देखो सेविंग का है ये वाला जो आपका ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन आपका किसका है सेविंग का है और ये जो बाकी सारा है ये सारा का सारा ये किसका है खर्चे का है एक्सपेंडिचर का है मतलब इन सब चीजों में तो खर्चा हो गया और जो बचत है वो कितनी है यहाँ पे सिक्सटी डिग्री की है ठीक है पूरा आपको सर्कल पता है कितने का होता है तीन सौ साठ डिग्री का सर्कल होता है थ्री सिक्सटी डिग्री का होता है अब सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं क्योंकि मेन फोकस आपका इसी चीज पे होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है पहला जो उसका पार्ट है उसमें पूछा है कि रेशियो आपको बताना है किस चीज का एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू सेविंग्स फूड टू सेविंग का मतलब है फूड और सेविंग के बीच का आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है बस इतनी सी चीज है इसके अंदर देखो एक पहली चीज क्या गई है फूड फूड देखो कहां पर है ये रहा आपका फूड तो फूड कितना है 120 डिग्री है तो पहले तो हम लिख लेते हैं 120 डिग्री हमें क्या लेना है रेशियो लेना है दूसरी चीज क्या गई है सेविंग सेविंग कितना है साठ डिग्री है तो इसको हम क्या करेंगे साठ डिग्री के साथ में रेशियो ले, ले लेंगे अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि इनकी वैल्यू कितनी है इस चीज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब हम रेशियो लेते हैं जब हम रेशियो लेते हैं परसेंटेज में इस तरीके से करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमें तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि कट के रेशियो उतना ही आने वाला है और सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है इसका डबल है ठीक है मतलब इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा दो यहाँ पे कितना बचेगा एक तो रेशियो कितना है टू इज टू वन का रेशियो है ठीक है जीरो से जीरो काट लीजिए छह दुनी बारह तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं देखिए ऑप्शन नंबर किस में फोर्थ के अंदर आपको दिया है टू रेशियो वन ऐसे हम करके सॉल्व करते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे देखिए, नेक्स्ट जो है सेम डायग्राम के ऊपर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इस तरीके से है इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज सोलह सौ रुपए मोर देन दैट ऑन एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज देखिए बहुत सही क्वेश्चन है अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो खर्चा हुआ है वो सोलह रुपए ज्यादा है किस पे किस पे ज्यादा है एजुकेशन पे ज्यादा है किससे? से हाउसिंग से ठीक है तो हाउसिंग पे जो खर्चा हो रहा है उसमें अगर हम 1600 जोड़ देते हैं तो वो हमारा किस पे हो रहा है एजुकेशन पे हो रहा है ये कहने का इसका मतलब हो गया अब देखिए आपको जो वैल्यू दी है उसको छोड़ दीजिए अब आप ये देखिए कि आपको एक्चुअली में दिया क्या है जो आपको डेटा दिया है आपको उस चीज से मतलब है आपसे दो चीजों के बारे में जिक्र किया गया है एक तो एजुकेशन दूसरा हाउसिंग ठीक है अगर एजुकेशन लिखते हैं तो देखिए एजुकेशन आपको कितना दिख रहा है सत्तर डिग्री है सेकेंड चीज जो है वो क्या है हाउसिंग है हाउसिंग कितना है चौवन परसेंट है तो हाउसिंग के लिए कितना दिया है फिफ्टी फोर डिग्री है ठीक है इतना डिग्री है ये परसेंट बोल दिया क्या मैंने ये डिग्री है तो जो भी है आपको वैल्यू इतनी दी है सत्तर और चौवन अब देखिए इसने कहा कि जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा है अब ये दोनों चीजें खर्चा ही है जो आपको इसके अंदर दी पाई चार्ट के अंदर तो एजुकेशन यानी कि इसके इसके ऊपर जो है कितना लग रहा है सोलह सो ज्यादा लग रहा है इससे तो चौवन डिग्री से अगर हम सोलह सौ रुपए ज्यादा बढ़ाते हैं तो सत्तर डिग्री आता है ये ये कहना चाह रहा है तो यहां से यहां पर जो जितने डिग्री का इंक्रीज हुआ है वही सोलह सो रुपये के बराबर है इस चीज को हम कह सकते हैं क्योंकि इसने कही है ये चीज क्वेश्चन के अंदर अब देखिए चौवन डिग्री से कितना ज्यादा है सत्तर डिग्री तो चौवन चौसठ मतलब सोलह डिग्री तो सोलह डिग्री जो है ये क्या हुआ है एक्चुअल में एक्सपेंडिचर का इंक्रीज है हाउसिंग से लेके एजुकेशन पर तो डिफरेंस कितना है इनका सोलह डिग्री का और यही सोलह डिग्री इसने कहा है क्या है ज्यादा है मतलब इसी सोलह डिग्री की वैल्यू कितनी है सोलह सो रुपये है आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है एक्सपेंडिचर ऑन फूड फूड के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है ये आपको बताना है यहाँ पे फूड कहाँ है ये रहा मतलब 120 डिग्री की वैल्यू पूछी है अब फूड आपको कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है लेकिन आपको क्या दिख रहा है फूड 120 डिग्री दिख रहा है मतलब वो पूछना चाह रहा है कि 120 डिग्री की वैल्यू कितनी बैठेगी यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इससे कुछ वैल्यू मिलेगी उसी को आप 120 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर देखिए इस चीज को हम कैसे करते हैं ये चीज ऐसे की जाएगी आपको यहाँ पे ये पता है कि 16 डिग्री की ही वैल्यू कितनी है 16 सो है ये चीज़ आपको पता है तो सेकेंड चीज़ आप क्या कह सकते हो या तो यहीं से एक डिग्री की वैल्यू निकाल लो ठीक है फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे 120 के साथ में या फिर सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो एक ही बार में इक्वेशन को लिख सकते हो दोनों ही तरीके से किया जा सकता है ठीक है जैसे भी आपको ईजी लगे चलिए इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख देते हैं देखिए अगर यहां पर आपके पास में पता है कि 16 डिग्री की वैल्यू 16 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है सोलह सो रुपए है तो यहां से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सीधा सीधा आप लिख सकते हैं मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहां पे सोलह सो की वैल्यू कितनी दी है सोलह डिग्री ठीक है निकालने किसकी है आपको 120 डिग्री की तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर लीजिए अब देखिए यहां पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1600 से ये पूरा 100 बार में चले जाएगा ठीक है यहां पे आ जाएगा 12000 अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ये ठीक है इसी 16 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है 1600 सो दी है हाँ क्योंकि डिग्री जो है आपका ये इधर आ जाएगा 1600 सो इसमें उल्टा हो गया लिखने में देखिए कहा मैंने यही है कि 16 डिग्री की ही वैल्यू कितनी है सोलह सो रुपए है और कितने की निकालनी है आपको एक सो बीस डिग्री आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि मान लीजिए आपको क्या निकालना है रुपीस के अंदर निकालना है तो यहाँ पे आपके पास में ऊपर भी डिग्री होना चाहिए और नीचे भी क्या होना चाहिए डिग्री होना चाहिए तो आपके पास में जो वैल्यू बच के आ जाएगी वो रुपीज़ की आ जाएगी आप ऐसे भी कह सकते हो सेकेंड चीज़ आप वहाँ से सोलह डिग्री की वैल्यू को ही इधर ले जाके एक डिग्री का निकाल सकते हो मान एक डिग्री का मान जितना आएगा एक डिग्री की वैल्यू जितनी आएगी उसी को आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 डिग्री के साथ में है ना तो आपकी क्या निकल जाएगी एक्चुअल वैल्यू देखो डिग्री जो है डिग्री ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्चुअल आंसर आपका रुपीज के अंदर आ जाएगा जो चीज़ पूछी है उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ठीक है देखिए ये पूरा कटेगा तो कितना आ जाएगा सौ सौ और एक सौ बीस कितना हो जाएगा बारह हजार हो जाएगा इसका आंसर है ना क्योंकि आपको डिग्री पता थी दोनों ही केस के अंदर और रुपीज नहीं पता था तो इसीलिए हम क्या करेंगे रुपीज को ऊपर लिखेंगे एक्चुअली में हमें पता है कि जो सोलह डिग्री है वही आपको क्या है सोलह सौ सो रुपये के इक्वल है ठीक है तो एक सौ बीस डिग्री पूछा था तो वो आप एक्स मान के भी निकाल सकते हैं सिंपली आपको पता है एक सौ बीस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सोलह नीचे आ जाएगा ऐसे भी करा जा सकता है क्वेश्चन इससे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसमें इसने कहा है इफ द मंथली इनकम इज छत्तीस हजार रुपए तो इयरली आपको सेविंग पूछी गई है अच्छा अब आपसे इनकम बता दी गई है देखो अगर मतलब कि ये जो पूरा है ये पूरा सर्कल जो है यानी जो पूरा तीन साठ है इसके अंदर क्या क्या आ रहा है इसके अंदर यहां से लेके यहां तक तो हो गए खर्चा और ये क्या हो गई सेविंग हो गई मतलब खर्चा और सेविंग जो होगी भाई वो वही तो इनकम में से हुई है तो 360 है डिग्री जो है वही क्या है छत्तीस हजार रुपए के बराबर है ठीक है इन जो एक्सपेंडिचर हो रहा है जो खर्चा हो रहा है और जो आप बचा रहे हो वो इनकम में से ही बचा रहे हो तो यानी इनकम के अंदर ही क्या आ जाता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों चीज बराबर होंगी तो इनकम बराबर होता है आपकी जो भी एक्सपेंडिचर करा है प्लस जो आपकी सेविंग है तो इसी तरीके से इस पूरे के अंदर दोनों चीजें आती हैं तो 360 डिग्री की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी छत्तीस हजार रुपए के बराबर यहां से आप चाहो तो जो पूछा है उसके हिसाब से निकाल सकते हो अगर एक डिग्री का मान पूछा है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए जितना बचेगा आप देख लीजिए अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा है कि ईयरली सेविंग बताओ उसकी तो ये आप सेविंग कितनी है इसकी साठ डिग्री की लेकिन आप क्वेश्चन के अंदर देखिए कि आपको ईयरली इनकम दी है नहीं इनकम जो है वो क्या होती है मंथली होती है तो जब ये इनकम है ये इसकी मंथली इनकम है तो अगर आप यहां से सेविंग निकालोगे क्योंकि भैया मंथली माना अगर यहां से आप सेविंग निकालोगे तो ये साठ डिग्री जो सेविंग है ये भी कैसी है मंथली है तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है इसके अंदर जो आपको मंथली पता है उसको बारह से गुणा करके आप ईयरली निकाल दो लेकिन वो बाद की चीज है पहले आप मंथली इनकम निकालिए इसकी अब आप देखिए आपको पता है कि पूरा का पूरा जो इनकम है वो मेरा 360 डिग्री के बराबर है और इनकम जो मुझे मिलती है वो पूरा मंथली का कितना है छत्तीस हजार रुपये है तो मुझे पता है कि 360 की ही वैल्यू कितनी है छत्तीस हजार है तो देखो 360 डिग्री जो है उसी का मान कितना है छत्तीस हजार रुपये है और मुझे कितना का पता करना है सेविंग का पता करना है तो जिसका पता करना है उसको हम गुणा कर लेते हैं ठीक है इसकी वैल्यू इतनी है तो साठ की कितनी होगी ऐसे आप निकाल सकते हैं अब जो भी है आप इसको कैंसिल कर लीजिए इसको कैंसिल कर देते हैं देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे जीरो से आपका जीरो चले जाएगा पूरा ठीक है ये आपका छ बचेगा अगर आप इसको काट देंगे तो ये आपका पूरा छ हजार बचेगा ठीक तो है तो छह हजार क्या है अब हजार जो है वो आपका क्या है मंथली सेविंग है हमने क्या निकाला कि डिग्री सेविंग के बराबर है और साठ डिग्री की ही मान कितना है हजार आया है।, अब हजार अगर है तो बारह से तो यहाँ पे आ जाएगा कितना सेवेंटी टू थाउजेंड डायरेक्टली आप कर सकते हैं या फिर मंथली जो आपको दिख रही है उसी को आप ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो मंथली है सिक्स थाउजेंड रुपीज इसको 12 से गुणा करेंगे तो बहत्तर हजार ये आपका क्या है रुपीज के अंदर वैल्यू है सेविंग की ठीक है ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट देखते हैं ये इसके अंदर का है अमंग द इक्वेशंस आपको दिया है x प्लस टू दिस इज इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और वो ओरिजिन से पास कर रही है तो ओरिजिन से पास करने वाली जो लाइन है इसके अंदर आपका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं जीरो जीरो होते हैं ठीक है तो यानी एक्स की जो वैल्यू होगी भाई वो भी जीरो और वाई जो है वो भी जीरो क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है ओरिजिन पे आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो जीरो तो जो सेटिस्फाई कर रही है वो इक्वेशन होगी अब यहां पे देखिए कौन सी इक्वेशन जो है चीज को सेटिस्फाई कर रही है देखिए ये आपका क्वेश्चन है ठीक है देखिए अगर फर्स्ट वाली आप देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर इसमें आपको दिख रहा है कि आपका नाइन एक्स्ट्रा है तो ये जीरो के इक्वल तो नहीं रहेगा देखो यहां पे जीरो यहां पे जीरो ये प्लस नाइन तो ये वाली इक्वेशन तो नहीं होगी इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक्स है यहाँ पे यहाँ पे है ही नहीं यहाँ पे माइनस का फोर है नॉट इक्वल टू जीरो और टू वाई माइनस का थर्टीन है नहीं होगा और यहाँ पे देखिए टू ए ये ज़ीरो माइनस का ये जीरो तो ज़ीरो ही आएगा तो यानी सिर्फ एक ही इक्वेशन है टू एक्स माइनस थ्री वाई जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कहाँ दिया है टू एक्स माइनस का थ्री वाई तो ऑप्शन नंबर वन इसका सीधा सीधा क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है इस तरीके से कर सकते हैं देखिए अगला क्या कहा गया है इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट मस्ट गेट थर्टी सिक्स परसेंट मार्क्स टू पास एक एग्जाम है जिसके अंदर स्टूडेंट को कितने नंबर चाहिए मिनिमम छत्तीस परसेंट नंबर चाहिए छत्तीस परसेंट नंबर चाहिए क्या होने के लिए पास होने के लिए पासिंग परसेंटेज अगर जैसे हमें पता है पासिंग मार्क्स जो है वो कितने होने चाहिए ऐसे ही पासिंग परसेंटेज की बात की गई है तो कितना है पास परसेंटेज ठीक है कितना है 36% है इसके आगे इसने कहा कि अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट हु गेट्स 190 मार्क्स मतलब 190 मार्क्स उसके आए हैं फेल्ड बाय 35 मार्क्स अब देखो उसके मार्क्स अगर 190 आ रहे हैं और वो कितने से फेल हो रहा है 35 से फेल हो रहा है मान लीजिए मैंने एक एग्जाम दिया ठीक है जो एग्जाम मैंने दिया है वो कितने नंबर का था सौ नंबर का पेपर था ठीक है और मेरे उसमें से सिर्फ कितने आ रहे हैं ऊपर लिख देते हैं इस चीज को सौ में से मेरे कितने नंबर आ रहे हैं बीस नंबर आ रहे हैं एग्जाम के अंदर ठीक है सौ में से मेरे सिर्फ कितने आए बीस नंबर आए और पासिंग जो मार्क्स थे वो कितने थे तैतीस नंबर थे सौ में से तैतीस नंबर होंगे तो ही आप क्या हो पाओगे पास हो पाओगे तो अगर मेरे बाईस में से तैतीस पे पास होना था तो कितने नंबर कम रह गए तेरह नंबर कम रह गए मतलब अगर इसी बीस के अंदर मेरे तेरह नंबर और आ जाते तो भाई पास हो जाते तैतीस पे सेम ही चीज इस चीज के अंदर कही गई है कि अगर उसके एक सौ नब्बे नंबर आए और वो पैंतीस नंबर से फेल हुआ है सेम चीज यहाँ कही गई है अगर उसके एक बीस नंबर आ रहे हैं और वो तेरह नंबर से फेल हुआ है इसका मतलब बीस में अगर उसी तेरह को जोड़ दें तो वही उस वही उस नंबर पे पास होने वाला था ठीक है तो ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो जो पासिंग मार्क्स हैं वो भी आप निकाल सकते हो कि मान लीजिए अगर मेरे बीस नंबर आए हैं और तैंतीस पे पास होने वाले थे तो यानी कितने से फेल हुए तेरह से फेल हुए इसी चीज़ को दूसरे तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि अगर बीस नंबर आए और वो तेरह नंबर से क्या हो गया है फेल हो गया है तो बीस नंबर ऑलरेडी आ गए थे और तेरह से फेल हुआ है मतलब तेरह नंबर उसके कम रह गए अगर तेरह ही ज्यादा हो जाए तो पास तो यानी तेरह को ही उसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स आ जाएगा ऐसे कह सकते हैं तो अगर इसी 190 में मैं 35 को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा पासिंग मार्क्स आ जाएगा आपको दोनों ही चीज यहां पर दी गई है कि यहां पर आपके पास में परसेंटेज भी है और मार्क्स भी है ठीक है देखिए जोड़ देते हैं तो नौ तीन ये आपका हो जाएगा बारह एक सौ दो सौ पच्चीस देखिए मतलब कि छत्तीस परसेंट की ही वैल्यू कितनी है दो सौ पच्चीस है भाई ये पासिंग परसेंटेज है और मार्क्स में कह लो तो दो सौ पच्चीस है जैसे कि मान लीजिए सौ नंबर का पेपर था ठीक है इसमें हम कितने पे पास हो रहे थे टीचर ने कहा कि अगर तुम्हारे तैतीस परसेंट मार्क्स आ गए तो तुम क्या हो जाओगे पास हो जाओगे अगर तुम्हारे तैतीस परसेंट नंबर आ गए तो तुम क्या हो जाओगे पास हो जाओगे तो आपको पता है कि तैतीस परसेंट पे ही पास होना है परसेंट में पता है लेकिन अगर सौ मार्क्स का आपको पेपर दिया गया है तो नंबर कितने आने थे उसमें तैतीस परसेंट पे पास होने के लिए अगर आप सौ का तैतीस परसेंट निकालोगे तो कितना आएगा तैतीस 33... मतलब कि आपको 100 में से कितने नंबर लाने हैं तैतीस नंबर मिनिमम लाने हैं पास होने के लिए ठीक है तो उसका परसेंटेज जो है वही क्या हो गया मार्क्स हो गया कब जब आप सौ लेते हो पूरा लेकिन यहां पे कहा गया है कि अगर छत्तीस परसेंट नंबर है उसके तो वो पास होगा सेकंड चीज अगर दो सौ पच्चीस नंबर है तो वो पास होगा मतलब अगर 36 परसेंट कह लो या 225 नंबर कह लो बात तो वही है सेम ही चीज कह सकते हैं अगर 33 परसेंट कह लो तैतीस नंबर कह लो बात तो वही है अगर यहाँ पे 33 परसेंट पे पास हो रहा है और 225 पे पास हो रहा है तो छत्तीस की ही वैल्यू कितनी दी है दो सौ पच्चीस दी है ठीक है छत्तीस की वैल्यू कितनी दी है दो दी है और आपको क्या निकालना है टोटल मार्क्स निकालना है तो देखो छत्तीस जो परसेंटेज है इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 225 अभी मैंने कैलकुलेट किया लेकिन जो आपका पेपर है वो कितने परसेंट का होता है अगर आपका पेपर हजार नंबर का भी होगा तो परसेंटेज में वो कंप्लीट होगा यानी टोटल हंड्रेड परसेंट ही रहेगा तो अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट पेपर निकालना है तो आपको क्या करना है सौ परसेंट से ही मल्टीप्लाई करना है ऐसा नहीं है कि वो दो हजार परसेंट हो जाएगा परसेंटेज तो आप किस किस, किस में रहेगी सौ में रहेगी तो यहां पे छत्तीस परसेंट की वैल्यू कितनी है दो सौ पच्चीस है तो आपको यहां पे बताना है कि यहां पे सौ परसेंट यानी कि जो कंप्लीट पेपर है वो कितने नंबर्स का होगा देखिए यहां पे आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए परसेंटेज से आपका परसेंटेज चले जाएगा यहां पे आप ऐसे देख सकते हैं सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है जैसे कि आपको अगर मार्क्स में निकालना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा मार्क्स को ऊपर रखना पड़ेगा ठीक है और अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो उसी चीज को ऊपर रखना पड़ेगा इस चीज में किसी को डाउट नहीं है देखिए आगे कर देते हैं फिर सॉल्व ठीक है देखिए अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो पांच है सौ है लेकिन ये कट जाएगा तो इसको काट देते हैं फोर नाइन्जा हो जाएगा आपका और फोर से काटेंगे तो ये कितने में चले जाएगा पच्चीस में चले जाएगा और यहां पे अगर आप काटेंगे तो ये आपका चले जाएगा पच्चीस ठीक है तो कितना आ गया 25 का स्क्वायर यानी 625 यानी 625 जो है 625 मार्क्स का क्या है टोटल टेस्ट है या एग्जाम है तो 625 का अगर आप निकालेंगे तो 36% परसेंट दो ही आएगा ठीक है तो ऐसे करके निकाल सकते हैं यहां से सिर्फ वो चाहता था कि आप इसके जो पासिंग मार्क्स हैं उनको निकाल पाएं। इसीलिए ये डेटा दिया गया था देखिए यहाँ पर कहा है फोर मैन एंड सिक्स वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन एट डेज चार आदमी छह वुमेन जो है आठ दिन के अंदर किसी कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं अगर दो आदमी नौ औरतें करेंगी तो फिर कितने में करेंगे आठ दिन के अंदर जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो आप सीधा इक्वेशन लिखते जा सकते हो क्वेश्चन पढ़ने की बजाय ठीक है नंबर ऑफ डेज इन विच एटीन वुमेन कैन द वर्क कुछ भी पूछा हो हमें उससे मतलब नहीं है आप सीधा इक्वेशन के ऊपर लिखने पे ध्यान दे सकते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन दिया हो देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं इस चीज को इस चीज को इस तरीके से लिखते हैं कि जो टोटल वर्क है मैन और वुमेन का उसको हम इक्वेट करते चलते हैं क्योंकि काम तो सेम ही है अब आपने यहाँ पे वुमेन मैन अलग लिए वो इतने समय में कर रहे हैं यहाँ पे अलग लिए वो इतने समय में कर रहे हैं लेकिन काम जो है वो टोटल बराबर है चाहे आप इनकी वैल्यू कुछ भी ले लीजिए जो आपका वर्क है वो तो उतना ही था मान लीजिए बीस चेयर बनानी थी तो सबने बीस ही चेयर बनाई लेकिन आपने क्या करा एक बार मैन जो है वो पांच लिए वुमेन सात ली तो उन्होंने फोर्टीन डेज के अंदर बना दी दूसरी जगह पे आपने चार वुमेन ली और आपने लिए तो उन्होंने टेन डेज के अंदर बना दी तो आपका डेटा कुछ भी हो सकता है वर्क सेम रहता है ठीक है देखिए आपको पहले क्या दिया है फोर मेन दिया है अच्छा ज्यादा हो गया है देखिए आपको फोर मेन दिया है प्लस में मतलब इनके साथ मिलके काम किया है किसने सिक्स वुमेन ने ठीक है तो इन्होंने कितने दिन के अंदर कंप्लीट किया वर्क वर्क इन्होंने किया है आठ दिन में बराबर दो मेन नो वुमेन और दो मेन प्लस नाइन वुमेन ने इतने दिन के अंदर वर्क कंप्लीट करा है मल्टीप्लाई करके लिख दे तो आठ दिन के अंदर कंप्लीट किया है और सेम ही वर्क हमसे पूछा गया है कि अगर अठारह वुमेन है तो वो कितने में कंप्लीट देखिए पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है इक्वेट करते करते आप इस चीज को लिख सकते हैं देखिए जब भी आपको पता है कि आपका वर्क जो है वो तो एक ही काम हो रहा है डेटा आपका अलग अलग है चार मैन लिए छह वुमेन लिए आठ दिन में कर लिया दो मैन लिए नौ वुमेन लिए आठ दिन में कर लिया तो अगर अट्ठारह वुमेन लोगे तो टी दिन में कंप्लीट करेंगे टी डेज मान लो ठीक है जो भी उनको समय लग रहा है तो आपको दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है यहाँ पे आपको वुमेन भी नहीं पता और टी भी नहीं पता दोनों चीजें आपकी अन है नहीं पता ज्ञात ही नहीं है हमें

देखिए आठ और आठ तो वैसे ही कट रहा है मतलब ये जो अंदर ब्रैकेट वाली चीज है डायरेक्टली आप इक्वेट कर दीजिए देखिए यहाँ पे फोर एम है यहाँ पे टू एम है तो कितना बच गया टू एम यहाँ पे सिक्स डब्लू है यहाँ पे नाइन डब्लू है तो इक्वेशन के इस साइड में कितना आ गया आपका थ्री डब्लू तो मैन अपॉन वुमेन या वुमेन अपॉन मैन अगर को निकालोगे तो मैन अपॉन वुमेन अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे तीन पहले से था ही ये बटे में क्या चला गया दो चला गया तो मैन अपॉन वुमेन का आपका रेशियो कितना निकल गया? तीन बटे दो निकल गया बहुत आसान तरीका ये मैं बता रही हूँ करने का ठीक है अगर आप वैसे करने पे जाओगे तो फिर काफी लंबा पड़ेगा देखिए मैन अपॉन वुमेन आपको पता लग रहा है मतलब मैन की कितनी है थ्री है तो वुमेन की कितनी है दो है आप इससे हम क्या करते हैं इससे आप टोटल वर्क निकाल सकते हो थ्री और टू है ना इनकी ठीक है देखो आपको पता है कि मैन की यहाँ पे कितनी है थ्री वुमेन की कितनी है यहाँ पे टू जो ओरिजिनल इक्वेशन है जो आपको टोटल वर्क पता है वो तो यही है यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है जो कैंसिल करा है उस चीज को हम लेंगे ऐसा नहीं उस चीज को हमने कैंसिल कर दिया तो उसको छोड़ देंगे नहीं टोटल वर्क तो उन्होंने भाई टी डेज के अंदर किया है ना तो आठ दिन के अंदर उन्होंने किया है ये काम तो इसको भी हम लेंगे तो देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को रख के तो चार दी आपको पता है कितना हो गया बारह छह धोनी कितना हो गया बारह कितने दिन में कंप्लीट करा है आठ दिन में किसी भी एक में रखने के लिए मैंने कहा है, या तो इसमें या तो इसमें किसी भी एक के अंदर रखेंगे क्योंकि दोनों ही वर्क बताते हैं किसी में भी रख लो वैल्यू वही आएगी कैसे भी आप सॉल्व कर लीजिए ठीक है तो देखिए बारह और बारह कितना हो गया भाई चौबीस चौबीस को आप आठ से गुणा कर लीजिए मैं डायरेक्टली आपको अब आप बताते जा रही हूँ ठीक है देखिए चौबीस को हम क्या कर लेंगे आठ से गुड़ा कर लेंगे ठीक है अब ये एटीन डब्लू इसको मैं बाद में लिख देती हूं देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आठ चौक बत्तीस ठीक है तीन आपका चले जाएगा आठ जूनी सोलह तीन उन्नीस तो वन नाइनटी टू आया है इस चीज को मैं हटा दू यहाँ से ठीक है वन नाइन्टी टू आपका टोटल वर्क आया है अब देखिए इस चीज को आप इक्वेट कर लीजिए जो चीज आपको पूछी गई है उससे तो वन नाइनटी टू आपका जो टोटल वर्क है इसी को मैंने इससे इक्वेट कर दिया तो आपका कितना बचेगा इस सबको हटा देते हैं ठीक है तो देखिए आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी तो अब ये इक्वेशन है हम्म इसको हमने क्या करा बीकुल रख दिया अब देखिए 18 इंटू डब्लू है वुमेन का कितना आया था दो आया था तो 18 ध्वनी कितना हो गया 36 टी हो गया हमें क्या पता करना है हमें तो टाइम से मतलब है तो यहाँ पे जो टी है इसी को आप क्या करिए कैलकुलेट कर दीजिए तो ये हो हो जाएगा 192 हो जाएगा 192 डिवाइड क्या अब जो कट रहा है उस चीज को आप काट लीजिए देखिए आपका जो टी है ये क्या आ गया 192 नाइनटी टू डिड बाई थर्टी सिक्स अब आप ऑप्शन के ऊपर देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिया गया है ठीक है तो आप इसको काटते रहिए जब तक आपके पास में इस तरीके से वैल्यूज नहीं आ जाती है जैसे कि आप देखिए सबके डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो थ्री 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 मतलब काफी हद तक जो है ये सॉल्व होगा अब यहाँ पे अगर आप सबसे सिंपलेस्ट नंबर जैसे मतलब टू से अगर आप काटते हैं तो आपको दिख रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अट्ठारह आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये नाइन चले जाएगा टू नाइन एटीन फिर वन बचेगा तो छियानवे आएगा इस तरीके से पहले मैंने टू से काट के दिखाया है तो जब आपके पास में नंबर इस तरीके से हो लेकिन संख्या काफी कम हो तो आप उसको काटते रहिए जितना भी आपको दिख रहा है उसके हिसाब से आप काटते रहिए देखिए इसको अगर आप काटेंगे तो आपको थ्री से दिख रहा है ये चला जाएगा और ये चले जाएगा बत्तीस इसको फिर अगर आप काट देंगे तो ये आपको पता है ठीक है अगर आप इसको लिखते हैं तो थ्री फाइव और वन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास में सिक्सटीन ऊपर है तो यूटी से भी आप पता लगा सकते हैं मतलब इकाई अंक भी आप देख सकते हो जैसे कि अगर मुझे डायरेक्ट फ्रैक्शन इस चीज़ का पता लग रहा है कि थ्री फाइव फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन होता है लेकिन अगर आपके पास में नंबर कुछ अलग है तो फिर आप मल्टीप्लीकेशन करने पे नहीं जाते हैं आप सिंपली क्या करिए आप देखिए थ्री और इसको जो है सॉल्व करके इकाई अंक आपका कितना आना चाहिए छ आना चाहिए अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो दो और एक तीन आएगा यहाँ पर देखते हैं दो और दो चार आएगा सत सात आएगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे कितना आ जाएगा छः आ जाएगा तो मतलब यही क्या है सही उत्तर है ठीक है ऐसे भी आप निकाल सकते हो फाइव वन बाई थ्री डेज तो ये भी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो तो आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वैसे देखते हो तो ऐसे भी कर लेते हैं कुछ लोग कि फिर जो भी नंबर आता है मान लीजिए तो सिक्सटीन और थ्री आया है कुछ और बड़ा नंबर आता है जब तो फिर डिवाइड कर लेते हैं कि इस तरीके से जो है डिवाइड करके देखते हैं कि क्या बच रहा है और क्या आ रहा है तो इस तरीके से करते हैं तो इतना टाइम ना वेस्ट करके आप सिंपली जो है यूनिट डिजिट पे भी जा सकते हो सॉल्व करने के लिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है फिर से वही चीज है एक आपको दे दिया इक्वेशन टाइप के अंदर और यहाँ पे आपके पास में क्या दिया गया है आ, ये दिया गया है एक्स क्यूब प्लस सत्ताइस एक्सक्वायर टू फोर्टी थ्री एक्स प्लस छः सौ इकतीस तो आपको दिख रहा है तो सत्ताईस आ रहा है टू फोर्टी थ्री आ रहा है ठीक है चलो इस चीज को कर लेते हैं देखिए वैल्यू को छोड़िए जो आपको दिया है डेटा उसको हम पहले स्प्लिट करके लिखते हैं अब यहाँ पे कोई चीज अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है मैं डायरेक्टली लिखूँ इस चीज को तो देखिए आपको दिख रहा है एक्स क्यूब है प्लस का आपका सत्ताईस है एक्स स्क्वायर है ठीक है और प्लस का है आपका टू फोर्टी थ्री एक्स है और प्लस का है छ सौ इकतीस चलो इसको हम क्या करते हैं स्प्लिट करके लिख लेते हैं क्योंकि क्यूब है फिर सत्ताईस एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है क्यूब वाला ही लग रहा है ये तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो एक्स का क्यूब है ठीक प्लस यहां पे अगर आप लिखते हो तो यहां से क्या आ जाएगा ये है एक्स ही है ही यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में थ्री और एक्स आ जाएगा और बचेगा कितना देखिए नाइन बचेगा ठीक है यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में एक्स तो आएगा नहीं तो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि देखिए नाइन का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा इक्यासी और इक्यासी को अगर आप तीन से गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा टू फोर्टी थ्री आ जाएगा तो अगर आप तीन को ही बाहर ले लोगे तो बचेगा कितना इन टू एक्स बचेगा लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा नाइन का स्क्वायर भी आ जाएगा ये चीज़ दिख रही है ठीक है तो अगर आप ब्रेक करते हैं तो इस तरीके से आप ब्रेक करिए इसके बाद में लेकिन सिक्स थर्टी वन लिखा है वो नहीं होगा किसी भी तरीके से तो हम सीधा जो है मैं फॉर्मूले से बताती हूँ कि देखिए ये नहीं होगा इसीलिए मैंने आगे का भी नहीं लिखा है लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है अभी मैं लिखूंगी इस चीज को देखिए मान लीजिए आपके पास में अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये आपका है एक्स का क्यूब ठीक है ये है प्लस का थ्री एक्स नाइन थ्री एक्स नाइन स्क्वायर तो ये जो थ्री बाहर आ रहा है ये जो थ्री बाहर आ रहा है ये तो फार्मूले वाला है तो उस पर तो हमें कोई मतलब नहीं है हमें ए और बी से मतलब है तो देखो एक्स क्यूब है एक्स नाइन एक्स नाइन स्क्वायर मतलब कि एक्स तो एक्स ही है मतलब ए ही है और जो नाइन है वो बी है ऐसे आप कह सकते हो तो यहाँ से फॉर्मूले से आप डायरेक्ट इस चीज़ को देख पाएं बस इतना आपको आना चाहिए तो अगर आप एक्स प्लस नाइन का क्यूब लिखते हैं तो आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस नाइन का क्यूब प्लस नीचे लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर इन टू नाइन प्लस थ्री एक्स नाइन का स्क्वायर अब देखिए कौन सी चीज़ तो है हमारे पास और कौन सी चीज़ नहीं है किस चीज़ की कमी है देखिए अगर आप फॉर्मूले में इससे इस, इस पर लाना चाहते हैं तो ये सारा होना भी तो चाहिए इसके अंदर तो देखिए एक्स क्यूब यहाँ पर है एक्स क्यूब है ठीक है देखिए यहाँ पे नाइन क्यूब है यहाँ पे नाइन का क्यूब दिख रहा है नहीं दिख रहा तो यानी वो लेके आना पड़ेगा तो जितना प्लस उतना ही माइनस तो यहाँ पे आप इसीलिए ऐड करोगे क्या नाइन का क्यूब माइनस का नाइन का क्यूब क्योंकि ये नहीं स्प्लिट होगा इस चीज में तो प्लस का थ्री सिक्स थर्टी वन अब इसको हम लिख देते हैं अब ये कंप्लीट हो गया मैच करा देते हैं इस चीज को देखिए थ्री ए स्क्वायर बी थ्री एक्स स्क्वायर इंटू नाइन देखिए थ्री ये कहा चला गया हाँ थ्री एक्स स्क्वायर इंटू नाइन और थ्री एक्स नाइन स्क्वायर तो थ्री एक्स नाइन स्क्वायर तो अब एक्स प्लस नाइन का होल क्यूब इसे लिखा जा सकता है इतने बड़े में आपको वैल्यू नहीं पुट करनी है इसमें अंदर एक्स की आपको इससे फॉर्मूले में लेके आना है जैसा मैंने बताया अब ये यहां से लेके यहाँ तक देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा ऐसे ये क्या बन गया एक्स प्लस नाइन का होल क्यूब ठीक है

क्यूब कर लीजिए अब सीधा सीधा हमें ये चीज पता है कि अगर हम इलेवन का क्यूब करते हैं तो कितना आता है तेरह सौ इकतीस वन थ्री थ्री वन तो तेरह सौ इकतीस हो गया अब देखिए नौ का अगर आप क्यूब कर लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा सात सौ उनतीस डायरेक्ट लिख दू मैं इस चीज को देखिए प्लस का है सात सौ उनतीस है माइनस का है और इलेवन का क्यूब कितना हो गया तेरह इकतीस हो गया यही है ठीक है देखिए ठीक है तो यहाँ पे देखिए आपको क्योंकि ऑप्शन में भी देख रहा है 1200, 1200, 1200 और तेरह है, तो बस इसके लगभग ये आंसर जो है अब ये चीज आपको आनी चाहिए देखो तेरह इकतीस है माइनस अब यहाँ पे कितना है आपके पास में सात सौ उनतीस और 631, सौ इकतीस तो माइनस प्लस छोड़ो आप सीधा बड़े में छोटे को घटा दो जैसे कि देखिए 631 सौ इकतीस है यहाँ पे तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा सत्तर लेकिन एक कम तो सिक्सटी नाइन है ठीक है और इधर जो सात सौ से ऊपर है वो कितना है आपका उनतीस है तो ये आपका आठ हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा नौ तो अगर नाइन्टी एट मतलब अगर पूरा का पूरा सौ घटा दूं मैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बारह सौ इकतीस लेकिन उसमें से दो कम है तो यानी इधर दो बढ़ेगा तो यानी बारह सौ तैंतीस आएगा फिर से मैं इस चीज़ को बता देती हूँ देखो अगर आप इस चीज को माइनस कर देते हो डायरेक्ट तो आपको पता है नाइन्टी एट आएगा एक इधर ज्यादा है एक इधर यहाँ पे कम हो गया है यहाँ पे नाइन्टी एट आ जाएगा लेकिन अगर आप पूरा का पूरा सौ घटा देते पूरा सौ घटा देते तो आंसर कितना बनता पूरा माइनस कर देते हंड्रेड तो कितना बनता बारह लेकिन आपने कितना माइनस करना है इसमें से हंड्रेड नहीं माइनस करना है उसमें दो छोड़ देने हैं मतलब दो इसके पास में रह जाएगा तो कितना जाएगा? 1233 हो जाएगा बारह हो जाएगा नाइन्टी घटा देना बस और कुछ नहीं है डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप सीधा घटा देना 98 तो 1233 आ जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर वन के अंदर ही दिया है बस यही आपका सही आंसर है और क्वेश्चन हम देख लेते हैं देखिए इसने कहा वॉल्यूम ऑफ स्वेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया देन डायमीटर इज इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है इसने न्यूमेरिकली आपसे सीधा सीधा बोल दिया है कि यहाँ पर क्या है जो स्पेयर का वॉल्यूम है यानी स्पेयर का वॉल्यूम तो क्यूब में होता है तो फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब ये किसके इक्वल है सरफेस एरिया के सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में होता है तो फोर पाई आर स्क्वायर भाई सब कुछ तो यहाँ पे कट ही रहा है तो क्या बच रहा है बस देखो यहाँ पे आपका पाई गया फोर गया फोर गया पाई गया अब यहाँ पे आपके पास में देखो स्क्वायर पूरा चला गया यहाँ पे एक आर बचेगा एक आर बचेगा यहाँ पे डिवाइड में थ्री था मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा थ्री अब ये थ्री आपका किसी में भी नहीं है क्या यहाँ पे मुझे वैल्यू दी है नहीं दी है तो ये आपकी सिर्फ एक यूनिट है अगर आर आपको दिख रहा है तीन है तो भाई डायमीटर क्या होता है टू आर के इक्वल होता है मतलब रेडियस का अगर आप डबल कर दोगे तो दो तिया छ तो आंसर कितना आ जाएगा सिक्स यूनिट आ जाएगा अगला देखो उसके अंदर नेक्स्ट देख लेते हैं देखिए एवरेज का क्वेश्चन है ये एवरेज मार्क्स ऑब बाई अ स्टूडेंट इन सिक्स सब्जेक्ट इज एटी एट क्या देखा गया है कि जो यहां पे एवरेज मार्क्स है एक स्टूडेंट के वो एक सब्जेक्ट के अंदर छह सब्जेक्ट के अंदर कितने हैं एटी एट है चलिए पीछे वाला यही है सिक्स यूनिट ठीक है इससे पीछे वाला ये है आइडेंटिटी बना के क्या है बस और कुछ नहीं है इसके अंदर आगे बढ़े ठीक है चलिए देखिए

68 मतलब कि उसको नंबर जो है वो 86 चढ़ा दिए किसी सब्जेक्ट के अंदर जबकि नंबर कितने देने थे 68 देने थे तो 86 की जगह 68 ऐसे करके हो गया है तो देखिए करेक्ट एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाई हिम अब जब उसके सही नंबर चढ़ाए जाएंगे तो 86 की जगह 68 लिखा जाएगा लेकिन एवरेज तो बदल जाएगा उसका है ना क्योंकि टोटल चेंज हो गया है तो एवरेज कितना होगा ये आपको बताना है देखिए आप ये देखिए कि नंबर कितने चढ़ाने थे उसको सिक्सटी एट चढ़ाने थे लेकिन अगर मैंने उसकी जगह एट्टी सिक्स चढ़ाया तो एट्टी सिक्स चढ़ा दिया मैंने नंबर तो नंबर अगर सिक्सटी एट चढ़ाते तो कम आते ना कुछ लेकिन अगर एट्टी सिक्स चढ़ाया है तो नंबर थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे मतलब एवरेज हल्का ज़्यादा होगा उसका अब देखिए अगर नंबर उसने कितने ज़्यादा चढ़ाए नंबर जो उसने हैं वो कितने ज़्यादा चढ़ाए हैं तो देखिए अट्ठारह ज़्यादा चढ़ाए हैं मतलब अगर 18 नंबर हम उसमें से घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा एक्चुअल जो उसके नंबर आने चाहिए थे तो ये जो है 86 के साथ में वो सम आएगा वो टोटल आएगा उसका मार्क्स का जो गलत है लेकिन अगर आप 18 घटा देते हो उसी में से या फिर आप 18 हाँ 18 अगर आप घटा देते हो इसको छोड़ो अगर आप सीधा सीधा उसमें से 18 घटा देते हो तो आपके पास में क्या आ जाएगा जो उसके सही वाले मार्क्स का सम है वो आ जाएगा इस चीज़ को अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ स्टेटमेंट की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे देखिए एक इसने कहा कि एवरेज जो है वो एट्टी है सेकेंड चीज़ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं देखो छः सब्जेक्ट हैं मतलब कि नंबर पता है छः हैं एवरेज पता थे थे है एट्टी एट है तो आप टोटल निकाल सकते हो दोनों को गुणा कर देंगे क्योंकि एवरेज होता क्या है जो आपका सम है डिवाइड बाई जो नंबर है तो अगर आप यहाँ से क्या निकालना चाहते हो सम निकालना चाहते हो तो दोनों को आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए वही सम आएगा तो जो उनका सम है जो गलत वाला सम है जो अब आ रहा है वो कितना है 88 एट मल्टीप्लाई विद सिक्स ठीक है ये वो न, आ, सम है जो गलत नंबर चढ़ाने पे आने वाला है ठीक है लेकिन हमें पता लगा कि भाई 86 की जगह सिक्सटी एट की जगह पे इसने क्या चढ़ा दिया 86 चढ़ा दिया इसके अंदर तो जो इसने गलत चढ़ाया है और जो इसने सही चढ़ाया है उस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं जो इसने गलत चढ़ाया है उसको तो कर लीजिए भैया माइनस और जो इसने सही चढ़ाना था जो ऐड होना चाहिए था एक्चुअल में उसको आप ऐड ही कर दो तो प्लस का कर दो 68 और बस इसको सॉल्व कर लो वैसे आपका आंसर निकल जाएगा ये आपको लिखना आ गया होगा भाई समझ में ठीक है यहां पर अगर आप देखते हो तो एक्चुअल में मैंने क्या करा है माइनस का 86 और प्लस का 60 मतलब क्या करा माइनस का 18 माइनस का 18 किसी लिए किया क्योंकि 18 ज्यादा दे दिए थे नंबर इसीलिए माइनस अट्ठारह करा है तो जो अभी उसका एवरेज जो उसका भी सम आ रहा था टोटल निकल के नंबर का उसमें तो 18 ज़्यादा नंबर थे क्योंकि मैंने तो इसकी जगह पे ये लिख दिया था है ना तो 18 नंबर ज़्यादा थे तो मैंने जो उसका सम आ रहा था निकल के उसी में से 18 घटा दिए तो अब वही वाला सम आएगा जो उसका आना चाहिए था एक्चुअल में तो यहाँ पर आप क्या करिए अट्ठारह को ही माइनस कर लीजिए ये चीज मैंने इसलिए लिख के दिखाई है कि अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं और इसका मीनिंग यही होता है कि जो हमने एक्स्ट्रा दे दिया ना उसको वापस ले लो तो हमने जो एक्स्ट्रा दिया है वो कितना हो जाएगा तो 88 पहले हम क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे और फिर क्या घटा देंगे अट्ठारह को घटा देंगे ठीक है अब क्वेश्चन में देखिए आपसे उसका सम नहीं पूछा है कि अब उसका जो सही वाला सम है वो कितना है वो तो आप सीधा निकाल सकते हो आपसे पूछा है कि उसका करेक्ट एवरेज कितना है तो जो भी आपका इसको सॉल्व करके हमारे पास में जो सम आएगा उसके नंबर्स का कह दो टोटल आएगा उसको हम बटे में क्या कर देंगे छः कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा एवरेज तो ये वो एवरेज है जो उसका आना चाहिए था ठीक है चीज आ गई होगी सबको समझ में ठीक है इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे आंसर मैं डायरेक्टली बता दूं ठीक है देखो एट अगर आप करोगे तो फोर्टी एट आएगा फिर से आप एट सिक्स करोगे तो फोर्टी एट आएगा तो चार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बावन आ जाएगा अब इसी पांच सौ अट्ठाईस में से तो अट्ठारह को घटाना है तो कितना आ जाएगा पांच सौ दस आ जाएगा है ना हाँ बिल्कुल सही आंसर है पाँच सौ दस आ जाएगा लेकिन इस पाँच सौ दस को अगर आप छः से डिवाइड लगा देते हो भाई कहाँ लगाए यहाँ लगा देते हैं तो ये जो पाँच सौ दस इसका एक्चुअल सम आ रहा था ये सही वाले मार्क्स हैं जो टोटल आएंगे लेकिन अगर उसके मार्क्स का एवरेज निकालते हैं तो जो टोटल मार्क्स हैं उसी को हम क्या करते हैं कितने सब्जेक्ट थे छः सब्जेक्ट थे तो छः से आप क्या लगा दीजिए भाग लगा दीजिए इसको तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा तो एट सिक्स आपका कितना हो जाता है फोर्टी एट बचेगा ये तो ये हो जाएगा पांच मतलब पिचासी तो तरीके से आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है एट्टी फाइव इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर <coughs> नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम देख लेते हैं देखिए यहाँ पे आपको ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर हम यहाँ पे इसमें भी आपको बस एक बार डायग्राम दिया गया है देखिए बहुत आसान है इसको सॉल्व करना यहाँ पे इनसे इनसे क्या कहा गया है हाँ दो तो आपको ये ब्लॉक दिए गए हैं देखो हर एक जो है ये क्या है क्रिकेट प्लेयर है यहाँ पे धोनी विराट कोहली और ये चेतेश्वर पुजारा और शिखर धवन यहाँ पे इनके रन जो इन्होंने बनाए हैं ना वो दिए गए हैं और जो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया गया है दस बीस तीस चालीस पचास मतलब दस दस का है ठीक है तो यहाँ पे एग्जैक्ट कुछ वैल्यू है बस आपको कुछ नहीं करना है इसको देख के सॉल्व करना आना चाहिए देखो जो आपका खाली वाला कॉलम है जो खाली वाला आपका ये पूरा बॉक्स है इसके अंदर आपकी पहली इनिंग्स है मतलब पहली पारी जब खेली गई है तो इतने रन बनाए हैं दूसरी पारी जब खेली गई है तो इतने रन बनाए हैं इस जने ने तो ये चीज़ दी गई है अब देखिए इसमें इसने कहा है कि आपको डायग्राम हाँ ठीक है ओके द एवरेज ऑफ टू इनिंग्स ऑफ द प्लेयर हुएस्ट इन एवरेज आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है इसमें सबसे हाइएस्ट किसने बना रखे हैं आपको जिसका ऊपर दिख रहा है बस उस पर फोकस करना है जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो सिर्फ धोनी का दिख रहा है देखिए यहाँ पे इसने कहा कि जिसने हु स्कोर हाइएस्ट इन एवरेज मतलब सबसे ज्यादा जिसके ऊपर दिख रहे हैं आपको उसी का आपको क्या लेना है दोनों इनिंग्स का आपको एवरेज लेना है पहले तो दोनों इनिंग्स पे ही सीधा आपका फोकस जाना चाहिए कि कितनी है जैसे कि अगर आप इधर देखते हैं शिखर धवन का अगर आप देखेंगे तो एकदम डाउन है इसका भी ये वाला अगर हाई है लेकिन ये वाला क्या है डाउन है इसके क्या है दोनों ही डाउन में है लेकिन इसका ये वाला भी अप है और ये वाला भी एकदम अप है तो अगर आप एवरेज लोगे तो इसी का ना हाइएस्ट आएगा तो ये वाला क्या है महेंद्र सिंह धोनी है ठीक है लेकिन आपसे नाम नहीं पूछा आपसे पूछा है तो लाइन साठ तो साठ लिख दिया प्लस दूसरी लाइन अस्सी के पार है ठीक है तो अस्सी एवरेज लोगे तो भाई दो पारी है ना तो डिवाइड बाई दो अगर आप ऐसे नहीं करोगे ठीक है कर लेते हैं तो आठ से आपको पता है कितना हो जाएगा चौदह डिवाइड बाई दो करोगे तो कितना आ जाएगा सत्तर आ जाएगा बस सत्तर आंसर है ठीक है अगर हम यहाँ पे करते मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो है जीरो 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 तो समय ही आ रहा है ना तो हम डायरेक्ट क्यों लिखे उस चीज को इस तरीके से तो हम सीधा आधा आधा लिखेंगे देखो पहली पारी जो है उसमें उसने छ रन बनाए दूसरी में सिर्फ आठ रन बनाए बटे में कर दो आधा तो कितना आ जाएगा सात मतलब कि आंसर कितना है सत्तर है ठीक है तो हम जीरो क्यों ऐड करें फालतू के अंदर तो यहाँ पे देखिए पे जहां भी आपको सत्तर दिख रहा है वही आपका सही आंसर है इस तरीके से आप कर लीजिए नेक्स्ट के अंदर देखिए एवरेज रन इन टू इनिंग्स ऑफ द प्लेयर हु हैज मिनिमम एक ऐसा प्लेयर जिसने सेकंड इनिंग के अंदर सबसे कम रन बनाए हैं देखो सेकंड इनिंग में सबसे कम रन तो सेकंड इसकी ज्यादा इसकी ज्यादा जो सबसे कम वाला दिख रहा है मतलब चेटेश्वर पुजारा जो है ठीक है तो इसने क्या करा है कम रन बनाए हैं कितने बनाए हैं सिर्फ दस तो इस प्लेयर को लेना है ठीक है इस प्लेयर को हमने उठा लिया अब इसने क्या कहा एवरेज जो है इसकी दोनों पारी का कितना है दोनों पारी में देखिए पहली में इसने सत्तर बनाए दूसरी में दस बनाए तो पहली में सत्तर है दूसरी में दस है भाई हमें लिख रहा है चालीस आ जाएगा ठीक है डायरेक्ट मैंने करा है सात और एक को लेके क्योंकि सत्तर और दस क्या हो जाएगा अस्सी तो मैंने अस्सी को आठ मान लिया अस्सी का आधा करोगे तो चालीस आएगा इसी आठ का आधा करोगे तो चार आएगा तो आंसर में आप सीधा क्या करिए एक जीरो लगा दीजिए बस वही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए यहां पर है द टोटल स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द फोर प्लेयर्स चारों प्लेयर ने पहली पारी के अंदर टोटल स्कोर कितना बनाया है अब ये जो इसका डायग्राम है ये स्कोर ही बता रहा है तो पहली पारी यानी जो खाली डब्बा है इन सब की वैल्यू को प्लस कर लीजिए देखिए पहले की वैल्यू साठ है पचास है साठ पचास सत्तर और तीस तो देखिए साठ पचास है सत्तर है और तीस है टोटल स्कोर पूछा है एवरेज नहीं पूछा है अब कुछ नहीं करना है इसको बस जोड़ देना है मैंने यहाँ पर जीरो नहीं लगाया है जीरो आपका ऑटोमेटिक आंसर के अंदर देख लेना है एक जीरो एक्स्ट्रा ही होगा देखो सात और तीन अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा दस ठीक है दस सोलह और पांच इक्कीस मतलब रन कितने हैं दो सौ दस है एक जीरो लगा दीजिए साठ पचास सत्तर और तीस को जोड़ेंगे तो दो सौ दस आएगा तो ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देख लेते हैं देखिए लास्ट है ये द एवरेज स्कोर इन सेकेंड इनिंग ए कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द फोर प्लेयर्स अब बस सेकेंड पारी का पूछ लिया है तो सेकेंड पारी क्या है ये कलर्ड वाली तो सेम करना है और कुछ नहीं करना है चारों प्लेयर्स के द्वारा अब इसमें एवरेज पूछा है ठीक है एवरेज पूछा है देखिए तभी वैल्यू कम है अगर टोटल पूछा होता तो वैल्यू काफी ज्यादा होती ठीक देखिए फर्स्ट वाले का कितना है स्कोर फर्स्ट वाले का स्कोर कितना है अस्सी अस्सी को आठ लिखो दूसरे का कितना है मैं पे दिखा देती देखिए ये दूसरी पारी इसने, इसने पचास खेली है तो पांच लिख लेते हैं प्लस इसने दूसरी पारी में देखिए सिर्फ दस रन बनाए हैं तो एक रन हो गया और इसने दूसरी पारी में कितने रन बनाए हैं बीस रन तो दो रन हो गए बटे में कितना हो जाएगा चार प्लेयर हैं अब चार से भाग देंगे तो देखिए ये आपका कितना हो गया ये हो गया आठ और सोलह 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 मतलब एक सौ साठ कह रही हूँ मैं ठीक है तो बटे में चार करोगे तो कितना आ जाएगा चालीस आ जाएगा अगर आप जोड़ते हैं तो ये अस्सी रन इसके पचास रन इसके दस रन इसके बीस रन इसके ठीक है देखिए ये आपका हो गया पचास सत्तर अस्सी अस्सी और अस्सी एक सौ साठ तो एक सौ साठ को बटे में चार चार और चार कितना हो गया सोलह ये फोर फोर सिक्सटीन हो गया और कितना बचेगा एक जीरो एक्स्ट्रा तो कितना आ गया चालीस आंसर आ गया ठीक है तो इस तरीके से हम काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं उम्मीद है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी वीडियो आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप जो है वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं तो भी आपको इजीली वो समझ में आ जाएगी ठीक है और कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर फिर से बता देंगे ठीक है ठीक है चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे ठीक है उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और पीछे की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं जो पहले से देखते आ रहे हैं उनको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी समझने में तो अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखेंगे तो ऐसे हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं और क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बार बार इस तरीके से आ रहे हैं तो उनको बार बार ही लेना पड़ता है ठीक है तो किसी में अगर आपको अलग तरीके से दी गई है वैल्यू किसी में अलग तरीके से दी गई है तो इस वजह से एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे लग सकते हैं लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसके लिए पहली बार हो जाएगा लेकिन अगर पहले से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये चीज़ रिपीटेड जैसी हो गई है क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में आ गई है तो इसलिए अगर आपको ऐसा लग सकता है ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चल